वो परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोल रहे हैं, सुन लेते हैं कि बेटा स्कॉलरशिप का पूरा पैसा लेकर घर आएगा, लेकिन हरिवंश जी ने स्कॉलरशिप के पैसे घर न ले जाने के बजाय किताबें खरीदी, तमाम तरह की संक्षिप्त जीवनियां, साहित्य यही घर लेके गए। हरिवंश जी के जीवन में उस समय किताबों का जो प्रवेश हुआ था वो अब भी उसी तरह बरकरार है। सभापति महोदय, करीब चार दशक तक सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने के बाद हरिवंश जी ने 2014 में संसदीय जीवन में प्रवेश किया था। सदन के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी ने जिस तरह मर्यादाओं का ध्यान रखा, संसद सदस्य के तौर भी उनका कार्यकाल उतना ही गरिमापूर्ण रहा है। बतौर सदस्य तमाम विषयों, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक सुरक्षा से जुड़े, हरिवंश जी ने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी थी। हम सब जानते हैं शालीन लेकिन सारगर्भित ढंग से बात रखना उनकी पहचान है। सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने अपने उस ज्ञान, अपने उस अनुभव से देश की सेवा का पूरा प्रयास किया है। हरिवंश जी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भारत की गरिमा, भारत के कद को बढ़ाने का काम भी किया है। चाहे वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की तमाम बैठकें हों या फिर दूसरे देशों में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में सदस्य के तौर पर भूमिका का निर्वाह हुआ। तो आप सुन रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हरिवंश जी, आपको बता दें उपसभापति फिर से निर्वाचित हुए हैं, उन्हीं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।